राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा अब प्रस्तुत है एक कहानी। आपसी मदद। एक गांव था, पास ही एक नदी बहती थी। गांव के लोग खेती करते और चैन से रहते थे। सभी में मेलजोल था। गांव में एक लंगड़ा आदमी रहता था और एक अंधा आदमी भी। गांव के लोग उस लंगड़े आदमी और अंधे आदमी का ख्याल रखते थे। एक बार नदी में बाढ़ आ गई। गांव में तेजी से पानी भरने लगा। लोग अपना अपना घर छोड़कर भागने लगे। सबको अपनी ही चिंता थी। भागने के चक्कर में गांव के लोग अंधे आदमी और लंगड़े आदमी को भूल गए। अंधा आदमी देख नहीं सकता था, लंगड़ा आदमी चल नहीं सकता था। दोनों के सामने समस्या थी कि गांव से बाहर कैसे निकलें। अरे बाढ़ आ गई, क्या करूं, कैसे करूं, कैसे भागूं? अरे अरे भैया सुनते हो? कौन, मैं? अरे भैया सुनते हो? बाढ़ आ गई। बाढ़ आ गई? हाँ, सब लोग अपना सामान ले लेके भाग रहे हैं। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता। अरे तो मैं भी कैसे भागूं, मुझे तो कुछ दिखाई ही नहीं देता। क्या करें अब भैया, कुछ कुछ सोचो सोचो भैया सोचो। दोनों सोचते रहे। अंधे आदमी को एक उपाय सूझा। उसने लंगड़े आदमी से कहा, एक ही उपाय है। हाँ हाँ, बोलो बोलो। तुम मेरे कंधे पर बैठ जाओ, मुझे रास्ता बताते जाना। हाँ, मैं उसी पर चलता जाऊंगा। अच्छा, इस तरह हम दोनों यहाँ से निकल जाएंगे। अरे अरे वाह, मैं तुम्हारे पैरों से चलता जाऊंगा। हाँ, और तुम मेरी आँखों से देखते जाओगे। हाँ, बस यही एक रास्ता है अब। ये तो तुमने ठीक कहा भाई। हाँ, तो फिर आओ, जल्दी करो, मेरे कंधे पर बैठ जाओ। भैया इधर इधर को, और अब अपना दूसरा पैर इस कंधे पर ले आओ। अच्छा, अब रास्ता बताओ मुझे। चलो भाई। हाँ, इधर देखो देखो, जरा बाएं। अरे अरे अरे, गड्ढा है। सीधे उधर। अरे वाह, अब और कितना दूर चलना है भैया? अरे अरे, बस आ गए। ये देखो, ये आ गया रास्ता। भाई
गए। तुम्हारे पैर मेरे काम आ गए और मेरी आंखें तुम्हारे काम आ गई। वे गांव से बाहर आ गए और बाढ़ से बच गए। कुछ दूरी पर उन्हें गांव के लोग मिले। दोनों को देखकर वे आश्चर्य में पड़ गए। अरे ये तो कमाल हो गया। अरे इन्हें तो हम भूल ही गए थे। लेकिन ये दोनों आपस में एक दूसरे की मदद से बच गए। अरे ये तो कमाल हो गया। ठीक ही कहा गया है, आपसी मदद से बड़े से बड़ा काम भी हो जाता है। आपसी मदद से बड़े से बड़ा काम भी हो जाता है। आपसी मदद। अभी आप सुन रहे थे ये कहानी। विषय संयोजन प्रतिभा दासगुप्ता, ध्वनिंकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी और उषा रानी, तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।